अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समीना खोखर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कलर, लॉ ऑफ कलर। व्हाट इज द कलर? कलर क्या है? कलर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपको रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और उसका जो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में बनता है और नज़र आता है वो है कलर। दिस इज़ द लॉ ऑफ कलर। कलर आपको कैसे दिखाई देते हैं? रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करके जो आपकी आंखों को दिखाई देता है वो है कलर। ठीक है, अब कलर हमारी दुनिया में, पूरी कायनात में बेशुमार रंग हैं। रंग बेसिकली, बेसिक कलर क्या है, बेसिक कलर की थ्योरी क्या है? कलर की थ्योरी आपको दुनिया में किसी भी फील्ड में, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ कलर को पढ़ना पड़ता है। अगर आप हेयर के कलरिस्ट बनने जा रहे हैं, हेयर ड्रेसिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको कलर की थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। अगर आप ड्रेस डिज़ाइनर बन रहे हैं तो आपको कलर के लॉ और कलर की थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। अगर आप फैशन एंड इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको कलर लॉ और कलर की थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। अगर आप लाइट, इवन आप लाइट एडजस्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में जा रहे हैं तो तब भी आपको लाइट और लाइट के ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। और आज हम आप लोगों के साथ जो शेयर करेंगे ऑस्वर्ड स्टार एक कलरिस्ट था जिसने के ऑस्वर्ड स्टार को बनाया था। और ऑस्वर्ड स्टार उसने इसलिए बनाया था कि वो लोगों को ये वाली बात समझा सके कि प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, टर्टरी कलर क्या है और कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। आज हम आपके साथ शेयर, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने IPS इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेट्स के हवाले से। तो हमारा कलर का सीक्रेट्स जो हम आप लोगों के ऊपर, अब सीक्रेट नहीं रहेगा, अब आपको पता चल जाएगा कि कलर का सीक्रेट क्या है। हमारा हेयर, हमारी स्किन, हमारा नेल जो है वो बेसिक तीन प्राइमरी कलर से बना है, रेड, ब्लू और येलो। हमारा हेयर, स्किन, नेल, आई, हमारी बॉडी का कलर और इसके अलावा जितने भी कायनात में या दुनिया में जितने भी रंग जो कि इंसान बनाता है खुद अपने हाथ से, उनका बेसिकली जो बेस कलर है वो रेड, येलो और ब्लू है। रेड, येलो और ब्लू अल्लाह ताला ने एक तनासब से हमारे हेयर के अंदर उसको, अब रेड, येलो और ब्लू को, तीनों को जब आप एक इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो कलर जो है वो क्या हो जाता है, कलर ऑफ हो जाता है, कलर ब्लैक हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर बनता है। और वो जो डार्क ब्राउन कलर है वो क्या है, वो हमारे बालों का प्राइमरी कलर है। क्या है? हमारे हेयर का प्राइमरी कलर है। अब आपको यहाँ पे इस ऑस्वर्ड स्टार में नज़र आ रहा होगा कि येलो, रेड और ब्लू, ये तीनों कलर जब एक इस मिड वाले जो हाफ पोर्शन में मिलते हैं तो मिलने के बाद उनके कलर का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ब्लैक, ब्लैक डार्क ब्राउन। ठीक है, तो डार्क ब्राउन क्या है, हमारे बालों का प्राइमरी कलर है। और यही प्राइमरी कलर जो कि जिसके लेवल लाइट होते जाते हैं और डार्क होते जाते हैं, जिनका इक्वल क्वांटिटी में रेड, ब्लू और येलो होता है, उनके बालों का जो कलर है वो डार्क ब्राउन में होता है। जिनकी क्वांटिटी, किसी की ब्लूज हो गई ज़्यादा, किसी की येलो हो गई ज़्यादा, तो उनके बालों का जो कलर है वो लाइटर में आ जाता है। ठीक है, अब ऑस्वर्ड स्टार ने क्या एक्सपेरिमेंट किया हमारे लिए ऑस्वर्ड स्टार क्यों बनाया गया। ऑस्वर्ड स्टार में आप ये देखें कि यहाँ पे उसने एक पोर्शन जो है वो रेड लिया और यहाँ पे एक पोर्शन जो है उसको ग्रीन किया। अगर आप, और ये दरमियान में इंडिकेट कर रहा है ब्राउन यानी कि नेचुरल कलर को, न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर क्या है, जो कि हमारे बालों का कुदरती नेचुरल कलर है। ग्रीन को अगर आप रेड के साथ मिलाएंगे तो कलर क्या हो जाएगा, कलर ऑफ हो जाएगा, यानी कलर ब्लैक बन जाएगा, नेचुरल की तरफ आ जाएगा। इसी तरह आपको आसानी से मैं ये वाली बात समझाऊंगी कि अगर येलो कलर को आप वायलेट के साथ मिक्स कर देंगे तो येलो और वायलेट जो कलर है वो दोनों ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी कलर हैं। क्या है? एंटी कलर हैं। और ऑस्वर्ड स्टार में हमें ये वाली चीज़ समझने में बहुत आसानी है कि किस कलर का कौन सा एंटी कलर मौजूद होता है। ठीक है,
आसवर्ड स्टार की डिटेल को समझाने के लिए हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज, ठीक है। अब आप देखें कि ब्लू अगर ऑरेंज ब्लू के साथ मिलेगा तो कलर ऑफ हो जाएगा और कलर यहाँ पे आ जाएगा, नेचुरल की पिगमेंट में आ जाएगा। तो इसलिए हमें ऑस्फर्ट ये बताता है कि अगर आप रेड को ख़त्म करना चाहते हैं और नेचुरल पे लेके आना चाहते हैं तो आप कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन। अगर आप ऑरेंज को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ऑरेंज कलर को ख़त्म करने के लिए ब्लू कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा और ब्लू को यानी ऐश कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा और ऐश को ख़त्म करने के लिए आपको ऑरेंज कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह ऑस्फर्ट कहता है कि अगर आपके पास वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट को ख़त्म करेगा आपका येलो, और अगर आपका पास येलो कलर है तो येलो को ख़त्म करेगा आपका वॉयलेट। तो इस बात से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे तीन कलर जो बेसिकली प्राइमरी कलर हैं, इन कलर बेसिकली तो हमारे ये तीन प्राइमरी कलर थे। अब हमारे पास प्राइमरी कलर के अलावा जो बाकी कलर हैं वो कैसे बने, इस वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। हाजिर होंगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।